सिरोंज में आए दिन अवैध शराब के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिरोंज में एक बार फिर सामने आया है। पुलिस ने अपने प्रेस नोट के आधार पर सूचना दी है कि 58 लीटर अवैध शराब के साथ आरोपी पुलिस गिरफ्त में थाना सिरोंज जिला विदिशा विवरण 26/5/2021 को अवैध शराब की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक विदिशा एवं अतिरिक्त पुलिस विदिशा के निर्देशन में एवं SDOP अजीत पटेल लटेरी RP रावत के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। मुखबिर के बताए गए स्थान पर ग्राम बरगोदा प्रतीक्षालय के पीछे परसोरा के कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध हाथ भट्टी की शराब की 2 सफेद कैन लेकर खड़ा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से दोनों केन में कुल 56 लीटर जिसकी कीमत 8000 रुपए बताई जा रही है जब्त की गई है। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गौतम अहरवार पुत्र कंचीलाल अहरवार 21 साल का बगरोदा का रहने वाला है कि बगरोदा में प्रतीक्षालय के पीछे परसोरा वाले कच्चे रास्ते पर यूरिया कच्ची आधुवट्टी की खराब लेकर वहाँ खड़ा है, बेचने की खराब में खड़ा है। तो इस पर से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन हम लोगों ने थाना सिरोंज की टीम ने उसको दर्दबोचा और उस पर करीब 56 लीटर कच्ची आधुवट्टी की शराब मिली थी। और इसके ऊपर जो हमने अपराध कायम किया है वो 34 आबकारी 49 का आबकारी है और 188/279/70/51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में उसको केस किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।